अपने हैवी वेट्स कर रहा है, हमें मास बिल्डिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे करें। देखिए थोड़ा जगह पे केस we
हाय दोस्तों, आप देख रहे द हिट लीड्स। हमारा पहला वर्कआउट था स्क्वाट्स, जो हमने हैवी वेट लाइट वेट दोनों से सुपर सेट किया। उसके बाद हमारा सेकंड वर्कआउट था लेग प्रेस के साथ हैक स्क्वाट, जो हमने पूरा लाइट वेट से किया। अभी हम करने वाले थर्ड वर्कआउट लेग प्रेस, जो अपने हैवी वेट से कर रहे हैं। हमें मास बिल्डिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए, दोस्तों आपने देखा हमने किया लेग प्रेस, जिसका आपको पूरा नीचे उतारना है, पूरा स्ट्रेच लेना है थाइज में और पूरा प्रेस करना है थाइज में, कहीं और लोअर बैक कहीं पर प्रेशर नहीं आएगा। और आपने देखा मैं जब ये कर रहा था, मेरा बॉडी थोड़ा कंधा मेरा ऊपर था, कोई ऐसे भी कर सकते ऐसे भी कर सकते, ऐसा ये नहीं है। ये जो आपका बॉडी है, बॉडी के सिमेट्री में आपका नेक या बैकबोन होना चाहिए, ऐसे नीचे ऊपर ऐसे ऊपर नहीं होगा, जस्ट लेवल पे होगा ताकि आप इंजरी से बच सको। थैंक यू। दोस्तों आपने देखा हम कर रहे थे लेग एक्सटेंशन, उसके साथ लेग कर्ल, इसे कहते हैं सुपर सेट। थोड़ा सा भी बीच में रेस्ट नहीं देना है, एक प्रेस मतलब एक लेग एक्सटेंशन करना है, उसके बाद एक सेट लेग कर्ल, उसके बाद आप रेस्ट लीजिए। एटलीस्ट दोनों का 20-20 रिपीटेशन रखिएगा, फिर 2 मिनट का रेस्ट रखिए, फिर वही ऐसे करके 5 सेट लगाना है। इससे आपका क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगा, मास गेन होगा और आपके थाइज अच्छे से ग्रोथ होंगे। भाइयों आज आपने देखा हमने किया लेग्स वर्कआउट, वो भी जीन्स पे। तो लेग्स को और थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए, क्वाड्स में प्रेशर लेने के लिए, पैर को क्लोज को एकदम पास रखिए और हाथ ऐसे या ऐसे जैसे भी आपको रखना है रखिए, देन पूरा जाइए, देन इसका 20 रिपीटेशन और 10 सेट लगाना है, ठीक है। बैक पूरा स्ट्रेट होगा और चेस्ट अप। हाँ, अब इसके बाद आप कर लेना स्ट्रेचिंग। एक ही स्ट्रेचिंग बताते हैं, फिलहाल समय खत्म हो रहा है, इसी से आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। लेग्स थोड़ा वाइड रखिए, देन पूरा ये जाना है, हाँ, और फिर ये ऐसे ही आप 20 लगाइए। इसके आपको एडक्टर को आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और ग्रोथ होने के लिए बहुत अच्छा भी होगा। और दोस्तों आप इसे बैठ के भी कर सकते हो या खड़े होकर भी, ये स्ट्रेचिंग कर रही है। जितना आप नीचे जा सकते हो, नीज को अपने सर से टच करा सकते हो, वो उतना आपके लिए अच्छा है। आप देखते रहिए द हीट फिटनेस, द हीट लीज और सोल फिटनेस फ्रीक। थैंक यू।